रैशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, या रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टू टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग इज दैट वेयर द रिमाइंडर विल बी जीरो, एंड नॉन टर्मिनेटिंग वेयर रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो. फर्स्ट थिंग, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज नोट डाउन. ओके, छोटी से छोटी चीज आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. यह हर स्टूडेंट का अपना एक मेथड होता है कि वो टीचर पढ़ा रही है उसको कैसे एक्सप्लेन करता है. ओके, सो जो भी चीज मैं बोलती हूँ. यस मैम, आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है. नाउ मैम नहीं हो रही क्लियर. सबको नहीं दिख रहा है क्या? तन्मय, दयांश, इट इज क्लियर और नॉट? मैम क्लियर. मैम देखो आपकी स्क्रीन विजिबल ही नहीं हो रही. नाउ मैम आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है. कैसे ब्लैक दिख रही है अभी? हाँ मैम सही है. नो मैम. यस मैम. जिसके नो है वो अपनी सेटिंग चेंज करो. मैम दिख रही है. ओके गुड. अब कोई भी डाउट हो ना प्लीज मिड में कुछ मत बोलो, जब मैं पूछूं तब बोलो, क्योंकि मेरा पूरा लिंक खत्म हो जाता है. व्हेनेवर यू हैव क्वेश्चन डाउट एनी डाउट, जब टॉपिक एंड होता है तब पूछो. ओके, या व्हेनेवर आई आस्क कोई डाउट है या नहीं है तब पूछो, क्योंकि उससे क्या है ना मेरा जो लिंक के पढ़ाने का वो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्या कहाँ कब पढ़ा रही हूँ. सो लेट स्टार्ट. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने आपको 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया था. आई होप आप सबने कर लिया होगा और आपको इससे क्लियर हो गया होगा व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, सो कल हमने एक एग्जांपल देखा था, कोई भी एग्जांपल ले लो. ये था डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सपांशन है. ठीक है, अब मुझे बताओ ये पहले तो बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. Yes, tell me, this decimal expansion is terminating or non-terminating? Ma'am, remainder zero होगा तो terminating है. हाँ, remainder zero की बात ही नहीं, direct answer लिखा हुआ है. ये question value है, ये एक fixed value है. अब बताओ, ये terminating है या non-terminating है? That is terminating ना? टर्मिनेटिंग क्यों है? अब देखो ना यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2.467, ये आगे नहीं जा रही है, ये यहीं पर फिनिश है ना, इसके ऊपर बार लगा हुआ है. सो दैट इज द फिक्स वैल्यू, सो दैट इज टर्मिनेटिंग. ये किसी भी डिवीजन का एक आंसर है ऐसा समझो. ओके, सो ऐसा कोई नंबर और पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, यू कैन से दैट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज इसका आगे कोई एक्सपांशन नहीं है, ऐसा नहीं गिवन है, ना ही ऐसा गिवन है. ओके, सो दैट इज टर्मिनेटिंग. अब इसको मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया था, इस पॉइंट को हटा के नीचे 1000 कर दिया था, दैट इज पी अपॉन क्यू फॉर्म. सो यस वी कैन से टर्मिनेटिंग फॉर्म को, दैट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, हम रैशनल नंबर में दो फॉर्म पढ़ रहे हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है और इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था. अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पे. सेकेंड जो क्वेश्चन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एग्जाम्पल 7, ओपन द पेज नंबर 11, एग्जाम्पल 7. अपॉन क्यू फॉर्म, देखो कैसे करना है.
लुक इट केयरफुली, बाद में नोट डाउन करना, पहले समझ लो कैसे करना है. लेट अज्यूम x इक्वल्स टू 0.3 बार. ओके, हमने अज्यूम कर लिया x क्या है 0.3 बार, या आप इसको ब्रैकेट में लिखो 0.333 समझने के लिए. नाउ द सेकेंड स्टेप, लुक एट केयरफुली, आपको क्या करना है, x को 10 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई x बाय 10, ठीक है. जब भी आप देरिया, यू आर लेट, सो लेट स्टार्ट. लेट x इक्वल टू 0.3 बार, देरिया यू आर लेट, हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं. हमें क्या करना है, लुक एट हियर क्वेश्चन एग्जांपल 7 पेज 11, ओपन द पेज नंबर 11 एग्जांपल 7. हमें ये शो करना है कि हम 0.3 बार को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. दैट इज योर क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 0.3 बार इन पी बाय क्यू फॉर्म. तो उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं. हमने लेट अज्यूम कर लिया x है आपका 0.3 बार. अब क्या करना है, मल्टीप्लाई x बाय 10 बोथ साइड, ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पे करोगे, ठीक है. जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड करते हैं, LHS में भी करते हैं और RHS में भी करते हैं. सो 10x क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखना ये क्या है, मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ 3333. ओके, यस यस तीर्थ, हाँ मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम. एक बार ये वापस पढ़ा ना मल्टीप्लाई वाला से. हाँ मैं बता रही हूँ ना, शुरू कहाँ किया है मैंने, अब बताऊंगी ना. x को हमने अज्यूम कर लिया 0.3 बार. अब मैं दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, दोनों साइड. तो यहाँ पे आ गया 10 into x, 10x is equal to, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ, देखो ये क्या है 0.333 into 10. ओके, दोनों साइड मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आपका 10x ही रहेगा. अब यहाँ पे देखना 0.3333 into 10, जब मैं इस पॉइंट को हटाऊ, जब मैं इस पॉइंट को हटाऊ नीचे क्या आ जाएगा 1000. हम 3 डिजिट को लेके ही कर रहे हैं. ओके, हमने 3 डिजिट को ही लिया, आगे नहीं लिया, नीचे आ जाएगा 1000. यहाँ तक क्लियर है सबको, आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है. यस मैम, आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है. अभी क्लियर है? यस मैम, आप क्लियर है. यस मैम. ओके, नाउ लुक एट हियर, मैंने क्या किया, इस 10 का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पे मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट स्टेप पे देखो, इस पॉइंट को मैंने हटाया, नीचे 1000 आ गया, 3 डिजिट है ना ऊपर, तो नीचे 1000 आ गया. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यस मैम, एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा 333 अपॉन 100. ओके, अब क्या हमारे पास रहा, यस बोलो, प्लीज मैंने बोला है जब तक मैं ना पूछू बीच में मत बोला करो, इससे दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमारे पास क्या है, 333. यस बोलो, एक तो आपका नेटवर्क आपका खराब हो रहा है, आप मुझे बोल रहे हो, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखो जो भी लिखना है वो, मुझे आवाज क्लियर, आपका वॉइस ही क्लियर नहीं आ रहा है. मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ दोनों साइड इसका 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है. अब मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे 1000 आ गया. ओके, 10 से 10 कैंसिल हो गया, अब लास्ट में मेरे पास ये बचा. यहां तक सबको क्लियर है? हाँ मैम. यस मैम. ओके,
रेज योर हैंड, अपने चैट बॉक्स ऑप्शन में जाओ, रेज योर हैंड कर दो। तेज, धैर्या, दयांश एंड तन्मय, जब तक मुझे चारों का रिप्लाई नहीं आता आई कांट मूव फॉरवर्ड। यस, दो का ही रिप्लाई है, बाकी दो व्हाट अबाउट तीर्थ एंड धैर्या? यस यस धैर्या, आपको नहीं समझ में आया ये? धैर्या तो मैं आपको इतने दिन से बोल रही हूँ, प्लीज मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होता तो आपको भी नहीं सुनाई देता। अपने फ्रेंड्स को बोलिए कॉल करके कि प्लीज नेटवर्क चेक करें, मैं रोज बोलती हूँ, इससे क्लास डिस्टर्ब होगी और एक टॉपिक ही कभी एंड नहीं होगा। अब मैं ऐसे तो नहीं पढ़ा सकती ना कि दो बच्चे यहाँ हैं, दो बच्चे गए हुए यहाँ से। ना धैर्या की आवाज ही नहीं आ रही और तीर्थ तो है ही नहीं। धैर्या, आर यू लिसन मी? धैर्या, आपको मेरी वॉइस आ रही? अगर आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। धैर्या, मैम तीर्थ, मैंने आपको कितनी बार बोला है अपना नेटवर्क सही जगह पे रखो। आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी या नेटवर्क चेंज करो, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। ओके, मेरे पास भी तीन नंबर है लेकिन मैं उसी नंबर से पढ़ा रही हूँ जिस नंबर पे मेरा नेटवर्क एकदम स्ट्रांग आता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, वर्चुअल क्लासेस में आपको अपना नेटवर्क सही रखना होगा। अदरवाइज इसे बार बार चले जाओगे तो ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा ना आपको पढ़ने में मजा आएगा। बार बार आप मुझे बीच बीच में बोलोगे मैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं मुझे वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होता है। नाउ यू आर एडल्ट, छोटे बच्चे नहीं हो आप, तो मैं ये चीज बार बार बोला करूँ? प्लीज, अभी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तब भी तो ऑनलाइन पढ़ोगे ना लाइव, तब कैसे करोगे आप? अपना नेटवर्क चेक करो, मैं रोज बोलती हूँ मेरा 8 बजे का टाइम है तो आप उससे पहले नेटवर्क चेक किया करो। अगर 2-3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है तो श्योर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अपने घर में किसी और का नंबर लो, कोई और सिम ट्राई करो, जगह चेंज करो, लेकिन नेटवर्क तो श्योर करो। तन्मय और दयांश का नेटवर्क क्लियर है, तीर्थ आपका नेटवर्क कभी क्लियर नहीं होता, धैर्या आपका भी नहीं होता, हाउ इट इज पॉसिबल? नाउ मेरी रोज क्लियर है आपको? तीर्थ एंड धैर्या, यस मैम क्लियर है। ओके, नाउ मैं नहीं चाहती कोई डिस्टरबेंस हो। ओके, ये सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन था जिसका आधा घंटा हो गया। नाउ लुक एट हियर, लास्ट हमारे पास क्या आया? 333/100। ओके, सो नेक्स्ट, अब देखो आगे ये क्या हो जाएगा। 333 को मैं 100 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा 3.33। ओके, सो 10x हमारा आ गया 3.33 और आगे ये चल ही रहा है डैश डैश। दैट इज द इक्वेशन 1। यहां तक सबको समझ में आया इक्वेशन 1 तक? यस मैम। यस एवरीबॉडी इज क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे देखना 3.33 को मैं क्या लिख सकती हूं। यहां पे देखना, पहले 3.33 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 प्लस x।
ओके वी कैन राइट 3.33 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x. कैसे? अब 3 प्लस x करो, यहाँ पे आप साइड में करो, 3 प्लस x की वैल्यू क्या थी? 0.33. तो क्या आ गया दोनों को ऐड करने पर? 3.33, राइट? सो वी कैन राइट, हम 3.33 को 3 प्लस x लिख सकते हैं. दैट इज योर इक्वेशन 2. सबको समझ में आया इक्वेशन 2? ये आपको करना पड़ेगा खुद से परफॉर्म. पहले स्टेप में हमने किया था 10 से मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन हमने बनाई, वी कैन राइट 3.33 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x. अब यहाँ पर देखना, 3.33 क्या था? 10x? Yes. Yes, Dayansh. Okay, एक बार और. मैम थोड़ा समझ नहीं आया. Okay, okay, I can clear. 10x क्या आ गया? 3.33. अब ये जो स्टेप है वो आपको रिमाइंडर रखनी है, ये आपको याद रखनी होगी. ठीक है, कुछ चीजें होती है जो हमें याद रखनी होती है. कैसे? पहले स्टेप में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको याद रखना चाहिए. दूसरा जो स्टेप था वो आपको ये याद रखना है कि हम 3.33 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस x. क्यों 3 प्लस? अब देखो, 3 प्लस x को, x की वैल्यू क्या थी? 0.33 यही थी. इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा? 3.33. ठीक है, सो वी कैन राइट 3.33 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x. अभी क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है. 10 किधर गया? अभी 10 बाकी है. अभी मैंने सिर्फ इस स्टेप पर ध्यान देना है आपको. 3.33 को x क्या माना आपने? ये x क्या था? 3.33 था कि नहीं था स्टार्टिंग में? What is x? So 3 plus x की वैल्यू थी 0.33. इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3.33. ओके, अभी कोई डाउट? ओके, अब देखो बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या है 3.33 की? 10x. 3.33 की वैल्यू क्या है? 10x. वो मैंने यहां लिख दी, 10x equals to 3 plus x. अब यहां पे लिखना बाय इक्वेशन 1. समझने के लिए साइड में ब्रैकेट में लिखना बाय इक्वेशन 1. हमने 3.33 की वैल्यू क्या रख दी? 10x. यहां तक क्लियर है? Yes, everybody is clear? Yes, ma'am. Now next, आगे देखो, यहां से इसको कर दो इक्वेशन 3. By इक्वेशन 3, 10x equals to 3 plus x. अब इक्वेशन तो सॉल्व करने आती है ना, x को यहां ले आओ. ठीक है, सो 10x माइनस x इक्वल्स टू 3, 9x इक्वल्स टू 3. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/9, दैट इज 1/3. ओके, इक्वेशन सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आई? 1/3. सो द फाइनल आंसर इज x अपॉन 1/3. अब x की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी? 0.3 बार या फिर ब्रैकेट में 0.333, दैट इज इक्वल्स टू 1/3. अब ये देखो, हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को p बाय q के फॉर्म में डिफाइन कर लिया. हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज आवर क्वेश्चन? डिफाइन 0.3 बार इन p अपॉन q फॉर्म. हमने इसको पूरा सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 1/3, और हमने x स्टार्टिंग में क्या माना था? 0.3 बार, या फिर इसको बोल सकते हो 0.333 इज इक्वल्स टू 1/3, और 1/3 क्या? p अपॉन q का फॉर्म. आया सबको समझ में? सबको? यस एवरीबॉडी. तीर्थ फिर गायब हो गया. तीर्थ का ना कुछ नहीं हो सकता, तीर्थ को समझा के थकी मैं. अभी बोलेगा मैम समझ में नहीं आया. अभी समझ में कहाँ से आएगा, उसका नेटवर्क ही नहीं आएगा तो.
ओके दयांश देरिया एंड तन्मय राइट डाउन इन द चैट बॉक्स आपको क्लियरली समझ में आया चैट बॉक्स में लिखो हाँ मैम हाँ आपको कहाँ से समझ में आएगा तीर्थ बोल रहे हो ना आप तीर्थ बोल रहे हो देरिया तीर्थ बोल रहे हैं देरिया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बोल कौन रहा है तीर्थ आपको कहाँ से समझ में आएगा क्योंकि आप वापस डिस्कनेक्ट हो गए थे अभी मुझे ही बताओ कि मैं आपकी वजह से पूरी क्लास को कितनी बार ये चीज समझाओ या मुझे आप ही बता दो कि आपका नेटवर्क ठीक होगा कि नहीं होगा वो बताओ मुझे पहले वो बताओ मैम मैंने तो वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है बेटा पर ट्राई टू अंडरस्टैंड ना किसी से भी कनेक्ट करो लेकिन जब तक नेटवर्क प्रॉपर नहीं आएगा आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में और फिर ये चीज मुझे कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी वो सोचो आपको समझ में नहीं आएगा आएगा भी नहीं ना कैसे आएगा बार बार नेटवर्क तो डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका अब एक काम करो ठीक है जबकि आपका ब्रदर इसी मोबाइल से दिन में क्लास पढ़ता है तो उसका तो क्लियर आता है फिर आपका क्यों नहीं आता टेल मी द रीजन तीर्थ ऐसे नहीं होता है ना बेटा प्लीज आप अपनी चीजों को सॉल्व करो ना ऐसे तो पढ़ने में आपको मजा बिल्कुल नहीं आएगा चीजें अधूरी अधूरी रह जाएंगी अच्छा आपने कहाँ तक सीखा था इक्वेशन 2 तक समझ में आ गया था यस तीर्थ आपको पूछ रही हूँ मैं दयांश और तन्मय को तो आ गया समझ में तीर्थ तीर्थ आर यू देयर ओके नाउ कम नेक्स्ट एग्जांपल इट देरिया आर यू देयर आपको मेरी वॉइस आ रही है देरिया यस देरिया आर यू लिसन मी तन्मय दयांश आपको मेरी आवाज आ रही है यस मैम मतलब आप दोनों का नेटवर्क क्लियर है उन दोनों का इशू है आप लोगों के घर आसपास है वहां पे हाँ यस यस मैम देर के आसपास है तीर्थ पर आई थिंक तीर्थ वहीं पर है देर के घर पे ही है आई एम नॉट श्योर प्लीज हाँ मैम तीर्थ के घर देर के घर पे नहीं है मैम तो तीर्थ उसके घर पे है क्या टॉपली कॉलेज ओके ओके बट यार ऐसे नहीं पढ़ने में मजा आएगा ना ऐसे में एक एक बच्चों को बार बार एक्सप्लेन करती रहूंगी तो ये चैप्टर क्या ये यूनिट ही खत्म नहीं होगा 15 दिन तक वैसे 40 मिनट की क्लास होती है देरिया का भी वॉइस क्लियर है ना देरिया आर यू लिसन मी देरिया आपको मेरी आवाज आ रही है क्या हुआ ओके आप लोग दोनों दयांश एंड तन्मय नेक्स्ट एग्जांपल 8 अब यहाँ पे देखना हमने पहले 10 का मल्टीप्लाई किया अब यहाँ पे 100 का हो रहा है एग्जांपल 8 1.27 या फिर कह सकते हो 1.27 का बार ठीक है इसको एक्सप्रेस करना है पी अपॉन क्यू फॉर्म में दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन अब यहाँ पे देखो एक चीज का लॉजिक है कब 10 से मल्टीप्लाई करोगे कब 100 से मल्टीप्लाई करोगे और कब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ओके ये चीज क्लियर होनी चाहिए अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करना है वो देखो जब भी एक डिजिट पे बार हो जब भी वन डिजिट पे बार हो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 10
जब टू डिजिट पे बार हो, जैसे 27 रिपीट हो रहा है, ओके, सो 27 पर बार है, मल्टीप्लाई बाय 100, मान लो यही 3 टाइम होता, 273 273, ओके, 3 टाइम होता है इसके ऊपर बार होता, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1000, सो द मल्टीप्लाई ऑफ 10 100 1000 इज डिपेंड ऑन कि कितने रिपीट डिजिट हो रहे हैं, कितने डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे 3 एक डिजिट था वो रिपीट हो रहा है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, 27 दो डिजिट थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए 100 से किया, 273 तीन डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब रिपीट होना, उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। ये क्लियर है? यस मैम। ओके, देखो हम एग्जांपल 8 में लिखा है, लेट एक्स इक्वल्स टू एक्स को वाई, वही चीज आपको वापस करनी है, लेट एक्स इक्वल्स टू 0.127। अब इसको देखो लिखा है, सिंस टू डिजिट्स आर रिपीट सो वी मल्टीप्लाई एक्स बाय 100, जो चीज मैंने अभी बताई वही लिखी है, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, यस, एक्स इनटू 100, यस, एक्स इनटू 100, हाँ, एक्स इनटू 100, ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों साइड x को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.27 का बार इनटू 100, 100x इक्वल्स टू 1. ये क्या है, 2727 इनटू 100 अपॉन, ये कितने डिजिट है हुए, 4 पॉइंट हटाने के बाद, दो डिजिट से दो डिजिट कैंसिल। मैम मैम मैम, यस मैम, आपको कैमरा तो इधर से करो, ये वाले नंबर ही नहीं, नीचे 4 जीरो आ गए, ओके, सो ये हो गया 2727 अपॉन 100 और ये हो रहा है 100x, 100x इक्वल्स टू ये हो जाएगा, सॉरी ये वन, हाँ एक चीज और बी केयरफुली, एक चीज और यहाँ पे देखो, ये कौन है, लेकिन जैसे 27 था ना उसको मैंने एक बार और लिखा 27, ओके,